कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरायकेला के औद्योगिक क्षेत्र में जांच प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में गम्हरिया प्रखंड में 23 स्थानों पर कैंप लगाकर वैक्सीन टीकाकरण सेंटर में एक साथ कोरोना जांच की जा रही है। यह कैंप 2 दिन तक संचालित किया जाएगा, जहां कोविड जांच के साथ साथ वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के जिला नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों का सैंपल टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। 4 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग थी, जिसमें मैंने बताया, बींग नोडल ऑफिसर, बताया कि 2000 किट सर रैट हम लोग के पास आया हुआ है, उसको कहाँ यूज करें। तो डीसी सर का चाहत था कि जहाँ कॉन्ग्लोमरेशन, मतलब जहाँ भीड़ ज़्यादा है, वहीं पर मास्क स्क्रीन करें। उसी के तहत आदेश हुआ, ये आदितपुर और गम्हरिया क्षेत्र में 23 ऐसे जगह चिन्हित किया गया है, जहाँ पर आज जाँच, कोविड जाँच और वैक्सीनेशन। गुमला में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सरकार और प्रशासन द्वारा भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों को चिन्हित कर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को खाद्य सामग्री खरीद बिक्री का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि लोग किस कदर कोरोना को हल्के में लेकर बाजारों में घूम रहे हैं। इधर उपायुक्त ने बताया कि महामारी को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चौक चौराहा भीड़ वाले स्थान पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। आगे उन्होंने बताया कि जो लोग लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार और शनिवार को दो दिन हाट लगता है, इसमें पूर्व की भांति काफी भीड़ होती है। हम लोगों के द्वारा जनसंपर्क के माध्यम से अनाउंस कराया गया है, बार बार वहाँ पर लोगों को बताया गया है कि कोविड बिहेवियर का पालन करें, मतलब मास्क पहने और दूरी बनाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा, चाहे वो ग्रामीण हो, पब्लिक हो या